अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ डिजिटल मीडिया। अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगा मदिया खान के बारे में, जो कि एक फेमस टिकटॉकर हैं जिनके टिकटॉक पे 1.041 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। और मदिया खान एक पॉपुलर टिकटॉक स्टार्स में पाकिस्तान के शुमार होती हैं। तो उनके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि बोल नेटवर्क से उनको आया निकाला गया या वो खुद छोड़ के गई, और अगर छोड़ के गई तो क्यों छोड़ के गई, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में सबूत और शवाहद के साथ। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन करें। अच्छा, मज़ीद अब मैं आपको बताता चलूँ कि बोल नेटवर्क का जो शो है, गेम शो, ऐसे चलेगा। तो आपको सबको पता है कि उसकी रेटिंग और टीआरपी नोक जोक से आती है, जो कि टिकटॉकर्स और चैंपियंस के दरमियान आपस में नोक जोक और लड़ाई होती है बेसिकली। तो इसकी सारी रेटिंग उससे आती है। लेकिन मदिया, जो कि पेशे से एक डॉक्टर हैं और काफ़ी शाये हैं और उनको अपनी इज्जत की भी परवाह है, तो वो बिला वजह किसी नोक जोक में शुमार नहीं होती। और काफ़ी शाये मतलब गर्ल हैं वो, तो इस वजह से वो किसी नोक जोक में शुमार नहीं होती। तो खामोश रहने की वजह से गेम शो ऐसे चलेगा कि शो की रेटिंग नहीं आ रही थी, मदिया कोई रेटिंग नहीं आ रही थी और ना टीआरपी आ रही थी। अब इस वजह से मदिया को इससे कहा लगाया। अब आपको पता है कि जैसे बिलाल है जिसको अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, वो बार बार फ्लोर पे आके टीआरपी के चक्कर में और इमेज कॉन्शियस है और अपने उसके फेस के चक्कर में इज्जत की परवाह ना किए बगैर वो अपनी आके शो परफॉर्म करता है स्टेज पे हर चीज़, और कोई इज़्ज़त की परवाह नहीं करता, बस उसको सिर्फ रेटिंग और टीआरपी चाहिए होती है। जबकि मतलब वो काफ़ी ऐसी हरकत कर देता है जिनकी वजह से उसके मतलब अफेक्ट पड़ सकता है कैरेक्टर पे, पर्सनालिटी पे। लेकिन मदिया ऐसी नहीं है, पेशे से डॉक्टर हैं, पढ़ी लिखी हैं, इसलिए वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रही थी। वो सिर्फ़ अपना गेम खेल रही थी और किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रही थी। इस वजह से उनको इस शो से निकाल दिया गया, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कोई रेटिंग नहीं आ रही थी और टीआरपी नहीं आ रही थी मदिया से। इसी बात है, आप सबको पता है कि किसी भी चैनल को उसके ड्रामे की रेटिंग लाजमी चाहिए होती है, टीआरपी चाहिए होती है। तो गेम शो ऐसे चलेगा, इस ड्रामे की जो टीआरपी हैं उनको आमिर सियाल, और इससे टीआरपी मिल रही है बिलाल से। तो क्योंकि ये लोग हर एक बात पे लड़ रहे हैं, एक आपस में लड़ाकू हैं और नोक जोक हो रही है इनकी, तो इस वजह से काफ़ी टीआरपी मिल रही है। ऐसे लोग चाहिए, ना कि मदिया जैसे जो कि बिल्कुल शाये हैं और अपनी इज्जत की परवाह करके बैठी रहें। इनको वो लोग चाहिए जो अपनी इज्जत की परवाह ना करें, इसी चीज़ से उनकी टीआरपी और रेटिंग मिलती है और चीज़ ऊपर जाती है और पैसा कमाती है खूब। तो जाहिर सी बात है आजकल की आवाम भी ऐसी है कि उनको ऐसी चीज़ें ही पसंद हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मज़ीद वीडियोस के लिए बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा।